हेलो फ्रेंड्स, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह सुबह अभी हम लोग उठ चुके हैं, मतलब इसके पहले 7-8 बजे, हाँ 7 बजे मैंने ब्रश व्रश करके फिर एक बस सो लिया था। उसके बाद अभी हम लोग मतलब हम उठे यहाँ पे, सुबह का 8:30 बज रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं मुस्लिम का जो कब्रिस्तान है वहाँ। ठीक है, इसको थोड़ा ये करवाना है, छाक फूक करवाना है वहाँ पे, जो ये रहता है द्वारका या क्या है, क्या नाम है, जो भी हो। और इस बीच हम लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग पैदल जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इसकी मम्मी भी रेडी हो चुकी है और आईना देख रही है, झलकती है आईना लगती। तो अभी हम लोग निकलते हैं और मिलते हैं ब्लॉग में। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। वो सुबह सुबह जिस तरह से धूप है भाई, मैं सारा सीधा देख नहीं पा रहा। ठीक है, और इन लोगों को देखो कितना आराम से चल रही है। बाबू भी गोद में होके और आगे जो गाड़ी चल रहा है ना, तो उसी को इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है। यार फाइनली पैदल वाला रास्ता आपने पकड़ लिया है और मेन रोड है भी जी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और अभी ये पैदल वाला रास्ता से होके धीरे धीरे जा रहा है अपना, तो काम ही ऐसा है। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं, जब भी गाड़ी देख पा रहे हैं बाबू पूरा उसको दिखा रहा है, चले जा गाड़ी गाड़ी बोल के देख पा रहे देखो। और एक्चुअली गांव देहात में तो रहता है ना, तो इसलिए वैसा वाला बात है। और आप लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जो गांव में आता है, गांव में रहता है, थोड़ा बहुत शहर का नज़ारा अगर देखने को मिलता है तो इस तरह से ही एक्साइटेड होता है, जैसे कि बाबू हो रहा है। तो यार फिलहाल हम लोग जिस जगह पे है ये भी उल्टा का ही पता है, और पीछे फुटब्रिज मतलब रह चुका है। देखो ये अभी भी गाड़ी गाड़ी करके दिखा रहा है। दोस्तों ये जो ओवर ब्रिज आप लोग देख पा रहे हैं, फुट ब्रिज, ये SI हॉस्पिटल की तरफ उल्टो डंगा से जाने के लिए जो रास्ता है उसमें ये पड़ता है, उसमें से लोगों का आना जाना होता है। उनमें से ये भी बाबू और उसकी मम्मी आज आ रही है। ठीक है, और ये फुट ब्रिज बना है इसीलिए कि लोगों को इस पार से उस पार आना जाना आराम से हो सके। और सामने टाटा का एक तो बिल्डिंग है, जो कि टाटा का बिल्डिंग वाकई मस्त है, ज़बरदस्त है। आप लोगों ने अगर देखा है तो कमेंट करके बताना। और इस तरह से ब्रिज का नज़ारा है और ब्रिज के ऊपर से गाड़ी का आना जाना देखना मस्त लगता है। तो यार एक्चुअली कोलकाता का जो फूड वाला रास्ता है थोड़ा बहुत इस तरह से है, तो आप लोग पूरा आइडिया कर रहे होंगे कि इसमें सेफ्टी पूरा फुल है। ठीक है, एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है, जैसा कि बाबू और उसके मम्मी आ रही है। ठीक है, और हम जो है इस तरह से काला आदमी आगे आगे चल रहा है। ठीक है, दामोदर वैली कॉम्प्लेक्स, तो आगे आप लोग देख पा रहे हैं वो दामोदर वैली कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा बिल्डिंग है, वो भी दामोदर घाटी निगम लिखा हुआ है। आगे है SBI का बहुत बड़ा ब्रांच, जो कि मेरे ब्लॉग में कवर किया गया है कि वहाँ पे क्या क्या सिस्टम है क्या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इधर का ट्रैफिक जो है इस तरह से है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कितना सारा बैरिकेड है 3-3 लाइन में। जैसे कि अगले वाला ये जो बिल्डिंग है ये IT हॉस्पिटल है। ठीक है, और हम लोग बागमारी का जो मुस्लिम कब्रिस्तान है वहाँ पे जाने वाले हैं। इधर का नज़ारा देखो इस तरह से, और हम लोग इसी में जाने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आगे इधर का नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं, और अंदर में वीडियो करने का अलाउ नहीं है। दोस्तों फाइनली हम लोग कब्रिस्तान का जो मज़ार होता है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे बाबू को थोड़ा बहुत झाक फूक करवा रहे हैं मौलवी से, और यहाँ जो रहता है उसको मौलवी कहा जाता है जहाँ तक मेरे को पता, और हो सकता है कि मेरे को उतना नॉलेज भी नहीं है। और इस बीच देख पा रहे हैं इस तरह से झाक फूक करके और अपना काम वो कर रही है। तो फाइनली जिस काम से आए थे वो हो चुका है, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बाबू अभी जा रहा है, जो डायलॉग कलम हमारा। तो एक्चुअली यार बात यह है कि
सुशांत के दरगाह या क्या है, तो यहाँ पे आने पर तो वहाँ पे फुल पैंट पहन के आने का और मैं हाफ पैंट पहन के आया था, ठीक है। फिर भी मेरा वहाँ पे नोट अलाउ था, तो फिर भी थोड़ा बहुत अलाउ कर दिया। ये वाला सिस्टम है। और यहाँ पे देखो ट्रैफिक किस तरह से है। और अभी हम लोग जिस रास्ते से आए उस रास्ते से जाना है। आगे का रास्ता जो है वो जाएगा आपका काकुरगछी की तरफ, ठीक है। यहाँ से काकुरगछी का जो रोड है, काकुरगछी का जो मतलब स्थान है, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं है और उधर से इधर हम लोग पैदल में आया था। मेरे को पता ही नहीं था कि इतना सामने है। तो यार ब्रिज से गाड़ी सब जो देखने को मिलता है उसका लुत्फ़ उठा रहा है बाबू, देख पा रहे हो। उसने कभी गाड़ी नहीं देखा है, ठीक है। आज पहली बार यहाँ से इतना मस्त तरीके से देख रहा है ऊपर से। ये है फुट ब्रिज जो कि रास्ता के इस पार उस पार होने में मदद करता है लोगों की और एक्सीडेंट भी बचाता है। यार फाइनली कहीं भी बच्चों को लेके अगर आप लोग कहीं निकलते हैं, ठीक है, तो पानी का बोतल जो है साथ में लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत पड़ता है और काम का भी है। तो अभी हम लोग पैदल के रास्ता से जैसे कि जा रहे थे, मतलब जैसे गए थे, तो वैसे अभी वापस आ रहे हैं। चैट हाँ दादा, फिर आप लोग देख पा रहे हैं उल्टरंगा का एरिया में जो ट्रैफिक है वो इस तरह से है, ठीक है। आगे फुट ब्रिज, वहाँ पर भी चारों तरफ रास्ता जाता है, जो कि वहाँ पर भी वो बीजी वाला जो रास्ता है वो हमेशा हम लोग को देखने को मिलता है। अरे तेरी गाड़ी मेरे को ठोक देता रहे ब्लॉग बनाते। देर फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं, ठीक है। इसको क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, रो रहा है।